हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ निदा और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि जो कि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, जैसे कि एक महीने में किसी भी लड़की को या किसी भी लेडी को दो बार पीरियड क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पीरियड जो है, पीरियड्स का होना या पीरियड्स का ना होना या ज़्यादा होना, ये बीमारी की तरफ इशारा करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। जैसे बहुत सारी लेडीज़ को एक महीने में दो बार पीरियड होते हैं, तो ये क्यों होते हैं ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला आपका होता है वज़न में बदलाव होने के कारण। अगर आपको या तो अचानक से आप मोटे हो गए हैं या फिर आपका वज़न घट गया है, तो इस कारण भी आपको एक महीने में दो बार पीरियड हो सकते हैं। दूसरा कारण आपका होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स बदलने के कारण। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, अगर आपने वो चेंज करके ली है, तो इस कारण भी आपको जो पीरियड होंगे वो एक महीने में दो बार हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण होता है आपका थायराइड की प्रॉब्लम के कारण। देखिए फ्रेंड, जो एक हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन क्या करते हैं, ये थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं और ये जो मिलकर पीरियड साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो भी आपको एक महीने में पीरियड एक बार या फिर दो बार, तीन बार भी आपको हो सकते हैं। तो इस कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा कारण आपका होता है बार बार अबॉर्शंस कराने के कारण। अगर आप बार बार अबॉर्शन करा रही हैं या आपका बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो इस कारण भी आपको पीरियड जो होंगे वो एक महीने में दो बार हो सकते हैं। अलावा नंबर पाँच, अल्सर होने के कारण। देखिए फ्रेंड्स, अल्सर अगर आपको हो गया है तो उस टाइम पे जो ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, उसको आप पीरियड समझ सकती हैं, लेकिन वो अल्सर के कारण हो सकती है। तो आपको इसको लगेगा कि आपको पीरियड हो गए हैं, तो ये आपको क्या हो सकता है, दो बार आपको हो सकता है। छठा आपका होता है स्ट्रेस ज़्यादा लेने के कारण। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है पीरियड बंद ही हो जाते हैं, आपको टाइम पर पीरियड नहीं आते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक महीने में दो बार पीरियड हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर सात होता है PCOS के कारण। देखिए PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ओवरी में सिस्ट बन जाती है, जिसके कारण आपको पीरियड लगातार दो बार हो सकते हैं या फिर आपको पीरियड मिस भी हो सकते हैं, तो ये भी एक कारण। इसके अलावा नंबर आठ, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने के कारण। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया के कारण आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके कारण भी आपको पीरियड जो होते हैं वो एक महीने में दो बार हो सकते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से आपको महीने में दो बार पीरियड हो सकते हैं। अगर आपको दो बार पीरियड आ रहे हैं तो इनमें से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, बहुत दर्द बहुत ज़्यादा हो, तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में।